सही लग गया। डाल दो, डाल रखे पर। हाँ सर, ठीक है ठीक है, इससे सीधे तो डालना है। ओई माता की जय। एक सेठ साहूकार था, उसका सात लड़के थे, सात बहू थी, एक लड़की थी। दिवाली से पहले ओई का व्रत आया, सास ने कहा मिट्टी लेके आओ, लीपना है। सातू बहू मिट्टी लेने चली गई, साथ में उनकी नंद भी चली गई। सातू बहू तो अपनी मिट्टी खोदने लगी, बहू लड़की थी वो खेलने लगी, और खेल खेल में साहू माता के बच्चे काट दिए उसने। तो बोली मैं तो तुम्हारी कूक लूंगी, कोई भी दो। सारी बुआ तो पूछा, सब ने मना कर दिया। बड़ी से लेकर छह आ तक, साथ में बहू छोटी थी, कहती मैं दूंगी अपनी, ना तो सास घर में भी ना उसमें देगी वो तो। क्या अपनी कूक दे दी, उसके बच्चे आलने के आलने रह गए, पालने के पालने रह गए, घर आ गए कि ये तन क्या किया। अब उसने बताया ना उसने, वो कहते और ना लिप्या पोत्या खाया बनाया सब कुछ करा। सास ने उसको घर से निकाल दिया, एक झोंपड़ी में एक दासी दे दी और उसको साथ भेज दिया। अब वो बेचारी बहुत दुखी होगी। अब उसने पूछा क्या करना चाहिए भी ऐसे। किसी ने बताया कि उसकी शाह की बहन है गाय माता, उसकी सेवा कर जाकर वहाँ रोज जाती, उसका पानी पिलाती, उसने उसका चारा डालती, उसका गोबर पानी करती, सब कुछ करती, साफ सफाई करती। उसने सोचा कौन है भाई जो रोज मेरी इतनी सफाई कर कर जा है। उसने एक दिन देखा उसके साहूकार के लड़के की बहू है, कहती क्या बात है भाई, कैसे ऐसे ऐसे क्यों करती है। तो उसने बताया भाई ऐसे ऐसे तेरी बहन है ना मेरे बच्चे ले कोख ले रखी है, कूख ले रखी है। तो कहती मेरी कूख दिलवा दे, आप ही दिलवा सको। कहती ठीक है मैं जाऊँगी अपनी बहन के पास। अगला आया उनका व्रत, आ गई अपनी बहन के पास, सब बोले मौसे आई मौसे आई, पीढ़ा दो। सब पीढ़ा बिछाया, पीढ़े पर बैठाई। उसने वचन भरा कल्ले जाएगी, एक कल्ले जाएगी आसना करो, अरे मना कर दे। उसके पीढ़ा बिछाया, अच्छे आओ भगत करी। वो बोली भाई मौसे आई मौसे आई। कहते मौसी आई है, मौसे की आई करना पहले वचन भर ले। कहती क्या बात है ऐसे क्यों बोल रही। कहती नहीं वचन भर तब बैठूंगी, तब सेवा पानी करूँगी करना मेरी। कहती वचन भरा चल ठीक है। कहती तेने साहूकार के बेटे की बहू की कूख ले रखी, उसकी कूख दे दे। कहती जाए बहन दुश्मन बहन हो कभी तने इतना बुरा काम करा मेरे साथ, ऐसे क्यों किया तने। कहती कोई बात ना दे दे उसकी कूख। उसने उसकी कूख दे दी। आया अगला ओई का व्रत, तो उसके उसने भी ओई का व्रत रखा, सब कुछ करा, सारा सब कुछ करा उसने, मतलब खाना भी बनाया सब कुछ करा। फिर हाँ ओई का व्रत आया तो उसकी सास बोली दासी तो जा दासी, उसने भी एक गुड़ की डली तेल की पली दिया, वह भी बड़ा खा लेगी बच्चे खाने ना ऐसे। वह भाई दासी लेकर गई तो देखा तो वहाँ तालने के पालने और खेलन लग रहे हैं, और बहू बेटा सार पास से खेलन लग रहे हैं, और दासी दूसरी सब उसके नौकर चाकर खाना बनाने लग रहे हैं सारे सब। तो वह वापस आ गई, कहती वहाँ तो सेठ सेठानी तय गई, वहाँ तो बहुत उसका तो रौनक लग रही है पूरे घर में, और ऐसे ऐसे सारे काम होने लग रहे हैं। कहते दासी और तो मजाक बनाओ बनाओ थे, तू भी क्यों मजाक उड़ाओ मेरा। कहती तू जा के देख ले। वहाँ गई तो सच ऐसे बच्चे पालने में झूलन लग रहे हैं, खेलन लग रहे, वे सार पास से खेलन लग रहे बेटा बहू। तो जाकर बहू जो सास थी बहू के पैर आम पड़ी, कहती ऐसे सास आप ये उल्टे काम क्यों कर रही हो, ऐसे बहू सास के आम पड़ा, सास बहू के आम पड़ा, कैसे ऐसे कैसे होया। तब उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मिट्टी लेने गए थे, मतलब तेरी लड़की ने ऐसे कूख ले ली, वो शाव के बच्चे काट दिए थे, मैं अपनी कूख दे आई थी भाई, आप घर में ना घुसन दोगे फिर ऐसे ना। तो कहते हे भगवान जैसे शाव माता पहले उसकी आई ऐसे किसी की मत आई, दूसरी उसकी आई ऐसी सबकी आई है। बोल कोई माता की जय। एक अंधी बुढ़िया थी, एक उसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी, वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नियमित गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई तू तो चाहे जो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, यह भी दूसरी है। अतः बोलो मुझे मांगना आता तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तो बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा, तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं,
अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी तो थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरे शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू के साथ पड़ोसियों की बात सुनकर घर में आकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और उसने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। तब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो वही पाएगी। गणेश जी के वचन अनुसार बुढ़िया बोली, हे गणेश यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दे, निरोगी काया दे दे, अमर सुहाग दे दे, आँखों में प्रकाश दे दे, नाती पोती दे दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना की देने की कृपा करना। बोल गणपत महाराज की जय। ये शाम को देने है ना।